से सरसज एक्सली ट्रेनर और चेन्नई से भी बॉयकर और हमारे क्या नाम है आप दीपक कुमार जी। आप मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या आप सुबह में क्या डाइट लेते हैं? सबसे पहले सर उठने के साथ गर्म पानी और नींबू लेता हूँ, उसके बाद फिर ये इतना पी करके वापस यहाँ दौड़ने के लिए आता हूँ और एक आंवला आंवला खा के यहाँ आता हूँ। अच्छा, आप सुबह में आप उठते हैं उसके बाद आप गर्म पानी कहते हो तो हो उसमें आधा नींबू काट के जलते हो और काला नमक जलते हो पीते होंगे तो फ्रेश कैसा होता है? बाथरूम मेन क्लियर हो जाता है, उन्हीं के बाद बाथरूम जाता हूँ, उसके बाद रेगुलर काम करके। और फ्रेश होने के बाद जब आप आंवला को जब चाकू से गिल कर सीधा खा लेता हूँ आंवला नमक के साथ नहीं नहीं तो देखिए ऐसा मत कीजिए, हम बता रहे हैं उसको पानी लीजिए और चाकू से खोप कर और उसको डाल कर पानी में और उसको गैस पे रखिए। पानी तो नहीं है सर, नहीं तो उबालिए और 5 मिनट तक उसको गर्म की जब तक पानी चाहो जैसा उबल ना जाए ठीक टाइम हो जाए। इसके बाद वो पानी को थोड़ा सा काला नमक डालकर और वो पानी को पी जाइए ठीक, और जो आंवला है वो आंवला खा जाइए, उससे आपका और बेहतर इम्प्रूवमेंट होगा। और रनिंग करने के बाद यहाँ से जाइए तो जो हम लोग का सर जो बताएं एसके झा सर जो पटना के हैं वो बताएं कि यहाँ से जाने के बाद बासी खाना जो कि रात का रोटी और सब्जी या घी सब्जी भी बहुत टेस्टी लगता है, रात का जो टेस्टी चाहे मटन उटन हुआ तो बहुत टेस्टी लगता है तो उसको खाइए। और यहाँ से रनिंग करने के बाद जाने के बाद छेना स्पंज खाइए, मतलब छेना का मीठा जो होता है वाइट वाला बहुत फायदा करता है और छेना खाकर पानी मत पीजिए ठीक। और रूम पे जाने के बाद वो काम कीजिए, फिर इसके बाद मालिश कीजिए पूरा शरीर को गर्म पानी से पहले सेक लेते हैं उसको मालिश। और ये जो आप लोगों को बता दें जो ये जो होता है तारों में गर्म तेल कर लहसुन और प्याज डालकर तारों में लगाइए ठीक, उससे होता है कि पूरे नस पर जो ब्लड सर्कुलेशन काम करता है ठीक है। और मैं बता दूं कि शाम को आने से पहले